हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारे पास स्पीकर है, परफेक्ट टेक्नोलॉजी इसका नाम है, और इसमें ऑप्शन है, ये ब्लूटूथ स्पीकर है बैटरी वाला। इसमें यूएसबी है हमारे पास, एसडी कार्ड है, रेडियो है, रिमोट फंक्शन है, रिकॉर्डिंग है, बैटरी है, और ये टाइमर के लिए इसकी स्क्रीन लगी हुई है। इसके अलावा ब्लूटूथ का ऑप्शन है इसके अंदर। बेसिकली ये ब्लूटूथ स्पीकर है, और इसमें एक प्रॉब्लम है हमारे। बेसिकली ये वो स्पीकर है जो आज हमारे पास आया है, परफेक्ट टेक्नोलॉजी इसका नाम है कंपनी का, और इसके साथ एक ही इन्होंने रिमोट दिया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे पास कि आप इसको बैक साइड से देखेंगे, आपको इसमें सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे वॉल्यूम के, और ये स्क्रीन है इसकी, ये यूएसबी है, ये मेमोरी कार्ड है, ये इको है, ये माइक के लीड, माइक के फंक्शन है, माइक का वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो ये लीड है चार्जिंग की, ये चार्जिंग की लीड वर्किंग में नहीं है, ये अंदर से डैमेज है, टूट गई है चार्जिंग की। ये इसमें मैं लगा रहा हूँ तो ये फ्री है, ये लग नहीं रही, ये अंदर से शायद डैमेज है, टूटी हुई है, क्या है ये हम खोलेंगे तो देख लेंगे और मज़ीद हमें पता चल जाएगा। इसको खोलने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास चार मुख स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये छः नट इसके जो लगे हुए हैं, ये छः नट हम खोलेंगे कोने वाले, ये वाला नट नहीं खोलेंगे, इसके अलावा ये छः के छः नट खोलेंगे। ये छः नट आप जब खोल लेंगे तो ये कार्ड आप ऐसे ही उठा लेंगे। इसका ये जो पूरा सर्किट है, ये इसमें बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम जिधर है इसके अंदर वो इस जगह पे है, यहाँ से वो लीड लगती है और ये इसकी जगह है उस लीड की, इसमें लीड नहीं है जिससे ये चार्जिंग होता है। अब इसको किस तरह हम सही करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह आप घर बैठे इसको सही कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये मोबाइल का एक जैक होता है जिससे हम ये वाली जो हमारी लीड होती है माइक्रो एंड्रॉइड की चार्जर की, वो इसमें लग जाती है, ये लीड इसमें लग जाती है। लगने के बाद ये जो बारीक पिन का जो मोबाइल जो आता था, ये उससे चार्ज हो जाता है। ये एक बेसिकली कनेक्टर है, ठीक है। अब इस कनेक्टर को हम इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर हम वो ऑप्शन बना सकते हैं दोबारा। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाता है ये 40-50 रुपए का, तो आप ये ले के इसमें सोल्डिंग करके, तो वायरिंग मैं बताऊंगा कहाँ होगी, आप किस तरह इसको सही कर सकते हैं। इसको आप खोल लें, ये खुलेगा किस तरह, मेरे पास पेचकस है बारीक सा, ठीक है, मैं इसकी मदद से इसको खोल लूँगा। और इसमें आप देखेंगे दो वायरें लगी हुई हैं, ये माइनस है ब्लैक वाली और रेड वाली प्लस है। इसके लिए आपको एक वायर की और ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इतनी बड़ी एक वायर ले लेंगे जिसमें दो तार हों, टू कोर वायर हो, पतले वायर हो की, वो क्या होगा आप इसमें लगा देंगे। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास लीड आ गई है, इसका जो रेड वायर है और इसका जो ब्लैक वायर है, ये आप हटा देंगे और रेड वायर की जगह आपके पास ऐसी जो वायर है, इसमें रेड वायर की जगह आप रेड वायर लगा देंगे। ठीक है, रेड वायर की जगह रेड वायर लग गई है, और हम ये वाले ब्लैक वायर भी इसकी ये दोनों वायरें हमने लगा दी हैं इसके अंदर। अब मज़ीद हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये आप इसको वापसी इस बॉक्स में डाटर लगा दें और इस बॉक्स को इसके बंद कर दें। ये हमने इसको पैक कर लिया है, ये जो लीड है ये इसके अंदर लग जाएगी। अब हमारे पास ये जो दो तार हैं इनके ऊपर करंट आ चुका होगा चार्जर का, तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको, क्या हमारा यहाँ तक काम सही है या ख़राब है, कोई मसला है तो पता चल जाएगा हमें। ये मैंने इसको लगाया है तो देखें 5.134 वोल्ट ये शो कर रहा है। अच्छा, तो फिर आपको इसमें वायर लगाने के लिए आपको ये इसमें से खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अंदर जगह है, आप इसमें काम नहीं कर सकते। इसको खोलने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसकी नोबे निकाल दें सारी, ये नोबे मैंने इसकी निकाल दी। निकालने के बाद ये तीनों नट खोल लें, ये चौथा माइक की लीड का भी नट खोल लें। मैंने इसके चारों नट रिमूव कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4, ये चारों नट इसमें से रिमूव हो गए, तो अब ये कार्ड इसमें से बाहर आ जाएगा। तो आप इस पैनल को हटा दें,
अब आपके सामने देखें ये आ गया है बिल्कुल। तो इसमें आप जो प्लस की वायर है वो आप इधर लगाएंगे, ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ प्लस की वायर लगाएंगे रेड वायर, और यहाँ पे आप लगाएंगे ब्लैक वायर। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है। तो व्यूअर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो दो वायर हमने लगानी थी, एक रेड यहाँ पे लगानी थी और वाइट यहाँ पे लगानी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे कोने वाला जो वायर है ये मैंने लगा दी, और अब मैं चार्जर की पिन भी इसमें लगा दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्जर की पिन भी लगा दी है। अब मैं चार्जर को प्लग इन करने लगा हूँ प्लग में, कि मैंने प्लग इन कर दिया, ये रेड लाइट जल गई है, चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। तो आप ये आसानी से लगा सकते हैं खुद भी घर पे भी, बस आपके पास काहिया होना चाहिए या बाज़ार से ले लें, आपको 30-40 रुपये 50 रुपये का मिल जाता है, ये लेके आप इसको लगा लें। और अब ये बाकी इसकी फिटिंग मज़ीद हम करते हैं, ये सही हो गया। अब हम इसकी चार्जिंग निकाल देंगे, ये थोड़ी देर चार्ज भी हुआ है, अभी मैंने चार्जर निकाल दिया है, ये इतनी देर चार्ज होके चल के बंद हो गया। अब इसकी फिटिंग वही है सेम जैसे आपने खोला था इसको, ये आप ऐसे बिठा देंगे इसमें वॉल्यूम सारे। ये लगाने के बाद यहाँ से सारे जो नट लगने हैं इसके ये लगा देंगे। तो भैया जैसे कि आपने देखा ये नट इसके सारे लगा दिए हैं, और अभी ये चार्जिंग इसकी हो रही है, चार्जिंग में हमने लगाया हुआ है, और ये आप लगा के इसके सारे नट लगा देंगे। तो इसके नट यहाँ पे सारे मुकम्मल हो गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने आज ये स्पीकर में हमने आपको किस तरह बताया कि किस तरह आप ये लीड इसमें से बाहर निकाल सकते हैं चार्जिंग वाली, ये इसकी चार्जिंग की लीड है, ये आप इसके करीब रख के छोड़ दें और इससे चार्ज कर सकते हैं आराम से। ये लीड टूट जाती है, अब ये लीड बाहर आ गई, कल कोई ख़राब होती है बाहर के बाहर ही ये चेंज हो जाएगी, आपको इसको खोलना नहीं पड़ेगा। तो व्यूअर हमारी वीडियो को आप देख के लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो व्यूअर आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।